सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं हो रहे हो तो रास्ता बदलिए सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है जड़ नहीं। यकीन मानिए बिना करियर ना तो कोई इज्जत है और ना सुख है, इसलिए मेहनत कीजिए और बेहतर करियर बनाइए। इंसान के बर्बाद होने का कारण अधिक नींद, गुस्सा, डर, आलस, हार मान लेना व काम को टालने की आदत है। आज का पंचांग 8 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 6:31 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र सुबह 8:54 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:40 से 11:55 तक रहेगा। आज का भी मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:39 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर रात्रि 9:53 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। आप सभी को उत्पन्न एकादशी की शुभकामनाएं। वृश्चिक राशि 8 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार, आप आज व्यक्तिगत कामयाबी का सामना कर रहे नाकामयाबी का सामना कर रहे हैं या धन या परिवार से संबंधित भी हो सकती है। चुप रहकर सहन ना करें, परिवार और रिश्तेदारों से मिली, अतीत में से किसी से मुलाकात हो सकती है। समर्थन के साथ आप इन मुश्किल छड़ों का सामना कर सकते हैं। आज अपनी प्राथमिकताओं और जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान दें। नए कार्यों को शुरू करने के लिए यह समय शुभ नहीं है। जल्दबाजी में कोई काम ना करें, निराशा और चिंता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए निश्चिंत रहें। हमेशा अपने गुणों के बारे में सोचें, यह आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करेंगे। व्यवहार में मधुरता लाना आपके व्यक्तित्व में और अधिक निखार लाएगा। कोई सरकारी मामला अटका हुआ है तो आज उसे पूरा करने का प्रयास करें, सफलता मिलने की पूरी उम्मीदें हैं। धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों में सुखद समय व्यतीत होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कमजोरी रह सकती है, किसी भी काम से दूर ना भागें। काम पूरा करने की कोशिश करें, अधिकतर बातें आपको समझ आएगी, फिर भी नकारात्मकता के कारण आप उन पर काम नहीं कर पाएंगी। काम पूरा करने के बाद भी असफलता का डर बना रहेगा। पार्टनर से मिल रही साथ पर ध्यान दें, रिलेशनशिप में सुधार होगा। खांसी और बुखार की तकलीफ हो सकती है, ख्याल रखें। सावधानियां, नकारात्मक बातों को नजरअंदाज न करें। नजदीकी संबंधी के किसी गतिविधि को लेकर मन परेशान रह सकता है, परंतु गुस्से की बजाय धैर्य पूर्वक समस्या का हल निकालें। धन संबंधित लेन देन में सावधानी बरतें, क्योंकि किसी प्रकार के विश्वासघात की संभावना है। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आप प्रेम के मूड में हैं और यौन सुख के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में अपने साथी को पहले पैम्पर करना ना भूलें। शॉपिंग या पसंदीदा फिल्म देखकर माहौल को हल्का करें। जीवन के अच्छे पहलुओं पर नजर डालें और उसके बाद अपने भविष्य की तैयारी शुरू करें। अपने पार्टनर के साथ कुछ फुर्सत के पल बिताएं। दोनों साथ में कोई फिल्म देखें, लॉन्ग ड्राइव पर जाएं या कॉफी पिएं। इस समय अपने साथी को रिझाने के लिए वे सब कुछ करें जो आपके रिश्ते में नई जान डाल दी। बात करते हैं करियर की। अच्छा, आपको अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। किसी खास की बीमारी या रहस्यपूर्ण स्थितियों को देखकर असहाय महसूस करेंगे। आप जो भी करें सोच समझकर और पूरा दिल लगाकर करें। अपनी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का यह सही समय है, लेकिन आज किसी काम की शुरुआत से बचें। आप अपने कौशल और गुणों को अच्छे से जानते हैं। सोच विचार के बिना तुरंत कार्यवाही करने से नतीजे सकारात्मक नहीं होते। आत्मनिरीक्षण के लिए कुछ समय निकालें ताकि अपने व्यवहार या आदतों को सुधारा जा सके। अपने बिजनेस में माल की क्वालिटी बेहतर बनाने से फायदा बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में सभी काम अपनी देखरेख में कराएं। नए ऑर्डर मिल सकते हैं। नौकरी पेशे लोगों को यात्रा करनी पड़ सकती है। बात करते हैं सेहत की। घुटनों में दर्द रहेगा। अच्छा खाना खाएं और योग व्यायाम में भी कुछ समय व्यतीत करें।
खांसी और बुखार की तकलीफ भी हो सकती है, ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप गाय को खिलाएं रोटी, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।